कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प होने जा रहा है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि इस समय सभी लोगों को एक जगह एकत्रित कर लेता है और बोलता है कि यहाँ पर विक्रांत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है जो कि ये लक्ष्मी को धोखा दे रहा है और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, मैं लक्ष्मी की शादी किसी भी तरीका से इस धोखेबाज के साथ नहीं होने दूंगा। ये बात तो दोस्तों स्पष्ट हो चुकी है कि इस समय विक्रांत एक बहुत बड़ा धोखे देने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन जब से इस चीज़ का मरिष्का को पता चला है कि विक्रांत लक्ष्मी के साथ में सिर्फ शादी का नाटक कर रहा था बल्कि उसे धोखा देने का प्लान था, तो मरिष्का बहुत ज़्यादा खुश थी कि लक्ष्मी के साथ में ऐसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों शुक्र है कि ये शादी हो ही नहीं पाएगी, लेकिन इस चीज़ को लेकर मरिष्का अपसेट भी है। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ऋषि ऐसा क्यों बोल रहा है। हालांकि ऋषि ने फिर से प्रूव कर दिया है और ऋषि ने इस समय अपने फादर से भी बोल दिया है कि लक्ष्मी के साथ में डैड बुरा हो रहा है और मैं लक्ष्मी के साथ में कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस विक्रांत को इस घर से भगाना ही क्यों ना पड़े। आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि एक ऐसा शरीफ लड़का है कि वो कभी किसी के बारे में बुरा बिना सबूत के बोलता नहीं है, और अगर विक्रांत ने बुरा किया है तो उसको बुरा बोलने का पूरा राइट्स बनता भी है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में एक बार फिर से नई जुबानी होने जा रही है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर मलिष्का का भी एक नया चेहरा खुल के सामने आएगा कि कितनी बड़ी गद्दार है, और वो इस चीज़ को कॉन्ग्रेट्स करती है वो भी विक्रांत के साथ कि तुम लक्ष्मी को धोखा देना, जितना हो सके इस लक्ष्मी को तड़पाना। लेकिन दोस्तों ये शादी हो ही नहीं पाएगी, तड़ पाएगा तो तब ना विक्रांत लक्ष्मी को। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट।